अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको सूरह फातिहा पढ़ने के चंद एक फ़वाद बताऊंगा। यूँ तो सूरह फातिहा पढ़ने के बहुत से फ़वाद हैं जिनका अहाता करना मुश्किल है, मगर इस वीडियो में मैं आपको चंद एक फ़वाद बताना चाहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करके नीचे अपना राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हज़रत साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, हज़रत साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर सूरह फातिहा पढ़कर दम की और फरमाया, सूरह फातिहा हर बीमारी के लिए शिफा है। एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सांप के काटे हुए पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया और जिस पर दम किया वो बेहतर और अच्छा हो गया। एक रवायत में है, कुरान मजीद सब दवाओं से बेहतर है, हमारा इस पे ईमान और यकीन है। और सूरह फातिहा बुज़ुर्ग तर सूरत है कुरान मजीद की, यानी अलहम शरीफ सूरह फातिहा बुज़ुर्ग तर सूरत है। प्यारे बहन भाइयों, अगर कोई सख्त हाजत वहाँ पेश आ जाती है या कोई ऐसी बीमारी जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो मैं आपको अमल बताता हूँ। ये अमल आपने करना है, इंशाल्लाह आपकी सख्त से सख्त जो हाजत है वो भी पूरी होगी, आप जो बीमारी है इंशाल्लाह आपका पीछा छोड़ देगी। आप पहले गुसल करें, गुसल करने के बाद पाक साफ कपड़े पहने, बदन पर खुशबू लगाएं, तहारत का मुकम्मल ख्याल रखते हुए मसल्ले पर बैठ जाएं, आयतुल कुर्सी पढ़ें, चारों कुल तीन तीन बार पढ़ें, यानी आयतुल कुर्सी तीन बार, चारों कुल भी तीन तीन बार या चार बार पढ़ें, और बदन पर दम करना है आपने। फिर सूरह फातिहा आपने पढ़नी जितना आप आसानी से पढ़ सकें और अपने बदन पर दम कर लें। इसकी बरकत से इंशाल्लाह जो भी कोई बीमारी ऐसी है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उससे शिफा देगा। और कोई सख्त हाजत या मुश्किल की नीयत से पढ़ेंगे तो वो भी हाजत आपकी इंशाल्लाह पूरी होगी। प्यारे बहन भाइयों, सूरह फातिहा 100 बार पढ़ के आप अल्लाह से जो भी दुआ मांगेंगे, जायज़ हाजत हो आपकी, इंशाल्लाह वो दुआ भी कबूल होती है। और जो आदमी फजर की सुनतों और फ़र्ज़ कहते बनी, यानी फजर की सुनते आपने पढ़ ली फ़र्ज़ पढ़ने के दौरान, यानी फ़र्ज़ पढ़ने से पहले 40 बार माँ बिस्मिल्लाह शरीफ सूरह फातिहा पढ़कर अगर किसी बीमार पर दम करेंगे तो उसकी बरकत से इंशाल्लाह उसे मुकम्मल सेहतियाबी नसीब होगी। और ये अमल आप कम अज़ कम 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन भी कर सकते हैं, यानी जब शफा मिल जाए फिर आप अमल छोड़ सकते हैं। प्यारे बहन भाइयों, अगर कोई ऐसी मुसीबत या परेशानी है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपने 11,000 बार सिर्फ इय्याका नस्तईन सूरह फातिहा की आयत मुबारक है, इय्याका नस्तईन 7 दिन आपने पढ़ना है, 11,000 बार पढ़ना है और 7 दिन पढ़ना है, इंशाल्लाह बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी आपकी जो हाजत है वो पूरी होगी, मुश्किलात आपका पीछा छोड़ देंगी। और जो शख्स चाहता है कि उसके पास दौलत की फरावानी हो, दौलत चाहता है उसके पास ज़्यादा आ जाए, तो इशा की नमाज़ के बाद 121 बार सूरह फातिहा पढ़ें। जब आप सिरातल्लज़ीन अनअमत अलैहिम पर पहुँचें तो ख्याल करें और दुआ करें अल्लाह से अपनी दौलत की तरक्की के लिए, इंशाल्लाह आपकी दौलत में तरक्की होगी, आपके रिज़क में इजाफा होगा। प्यारे बहन भाइयों, इसी के साथ अपने प्यारे बहन भाइयों से इस उम्मीद से इजाज़त चाहूँगा, वीडियो को लाइक करेंगे, नीचे प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को आपने शेयर करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। पूर्ण बताने में अगर कोई गलती होगी हो तो आप तमाम को गवाह बना के अल्लाह ताला से माफ़ी मांगूंगा, अस्तग़फिरुल्लाह। इसके बाद अपने तमाम बहन भाइयों से माफ़ी चाहूंगा, अल्लाह ताला हम सब पर अपना फ़ज़ल फरमाए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।